कॉल टू एक्शन या CTA बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ होता है। ये बेसिकली ये वो एक्शन होता है जो आप अपने कस्टमर से किसी भी वीडियो के एंड में या किसी भी अपनी डेस्टिनेशन पे करवाना चाहते हैं। डेस्टिनेशन मींस फॉर एग्जांपल आप फेसबुक ऐड चला रहे हैं, ठीक है ना, एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक ऐड चलाए आपने, अब जाहिर है फेसबुक ऐड आप चला रहे हैं तो देर इज़ सम इंटेंशन ऑफ यू रनिंग फेसबुक एड्स, राइट? मतलब आप किसी वजह से रन कर रहे हैं ना। कि फॉर लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अपन ने शूज़ का फॉर एग्जांपल अपन ने ऐड रन करा, फेसबुक ऐड रन करा, उसका एक वीडियो चल रहा है। अब वीडियो चल रहा है तो क्या आप ये चाहते हैं कि बस वीडियो देख के बंदा निकल जाए? नहीं, आप ये चाहते हैं कि वीडियो जब देख ले पूरा, या आपका इमेज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं वीडियो, आपका जब ऐड देखे बंदा तो कोई एक्शन ले ना। तो एक्शन के लिए जो हम नीचे बटन देते हैं ना, तो वो दैट इज़ बेसिकली कॉल टू एक्शन। तो ये एड्स के एड्स में इस तरीके से हो जाता है। उसके अलावा आप लोगों को देखेंगे कि लैंडिंग पेजेस में देते हैं, फॉर एग्जांपल एक लैंडिंग पेज है। अब लैंडिंग पेज में आप गए, फेसबुक ऐड के लिंक पे क्लिक कर दिया, आप एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब वहाँ पे आपको आजकल सबसे ज़्यादा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबसे ज़्यादा ये सब रिलेट कर पाएंगे, सिर्फ कोर्सेज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, कोर्सेज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आपने फेसबुक पे ऐड देखा, फॉर एग्जांपल आपके इंटरेस्ट का कोर्स है वो, आप उसके अंदर गए ना, तो आप देखेंगे एक सिंगल पेज आ जाता है जिसमें पूरे उनके टेस्टिमोनियल्स वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अब उसमें क्या है, उसमें कॉल टू एक्शन हर जगह होता है, एनरोल इन दिस कोर्स नाउ, हरी अप, गेट दिस कोर्स नाउ, ग्रैब दिस कोर्स नाउ। तो ये कॉल टू एक्शन यही होता है, CTA इज बेसिकली।